कई बार मेरे दर्शक मुझसे कहते हैं कि सर एक बार माओवादियों का टेंट या कैंप दिखाइए, माओवादी अपनी ज़िंदगी जंगलों में कैसे गुजारते हैं, किस तरह के तंबू में रहते हैं। आज मैं माओवादियों का तंबू दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि अगर अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि बस्तर जंक्शन में मैं बस्तर के आदिवासियों की बात करता हूँ, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा की बात करता हूँ, यहाँ मौजूद जमीनी समस्याओं की बात करता हूँ। अगर आपको ऐसे रिपोर्ट्स देखना पसंद हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दरअसल मैं बस्तर के बीजापुर और सुकमा के सीमा में बसे सुदूर गांव में एक रिपोर्टिंग के लिए आया था। यहां माओवाद संगठन द्वारा एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है शहीदी सप्ताह के दौरान। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक माओवादियों द्वारा शहीदी सप्ताह का आयोजन किया जाता है। आज जिस दिन मैं इस स्टोरी को शूट कर रहा हूँ, आज 3 अगस्त है और आज जो है माओवादी जो है माओवाद संगठन के उदय के बाद जितने साथी इनके मारे गए, चाहे वो माओवादी नेता रहे हैं, माओवादी सदस्य रहे हैं, अलग अलग मुठभेड़ों में, अलग अलग घटनाओं में, उनकी याद में ये हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी स्मृति सप्ताह मनाते हैं। इस दौरान कईयों बार ये बड़ी बड़ी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं, लेकिन इस बार माओवादियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ा है। दंतेवाड़ा में शहीदी सप्ताह के दौरान ही अलग अलग एनकाउंटर में 5-5 लाख के 2 इनामी नक्सली मारे गए। सुकमा में 8 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। लेकिन माओवादी जो है एक बड़ा कार्यक्रम बस्तर के जंगलों में आयोजित करने में सफल हुए। इसी को कवर करने आ रहा था। इस टेंट को एक बार थोड़े दूर से दिखाइए, मोहन एक बार पीछे चले जाइए। ये माओवादियों का तंबू है और इस तरह के कई सारे तंबू आसपास बने हुए हैं। हालांकि मैं माओवादियों के इस तंबू में नहीं ठहरा था, पास के गांव में ग्रामीणों के घर में ठहरा हुआ था, यहीं रात बिताया मैं। ये माओवादियों का तंबू है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए ये ग्रामीण हैं। अब ये दबाव में आए, माओवादियों के दबाव प्रभाव में आए या स्वेच्छा से आए, ये स्पष्ट तौर पर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये सवाल करना इनके लिए बहुत घातक खतरनाक होगा और मैं इनके जान को खतरे में नहीं डाल सकता। ये माओवादी सदस्यों को आप देखेंगे अत्याधुनिक हथियार पकड़ के इस टेंट में आराम कर रहे हैं। कुछ जो है इस तरफ देखिए अपनी भूख मिटा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान 12 से 1 बजे के बीच मुझको देखकर हंसने लगे। ठीक है, आप अपना मुंह छुपा लीजिए। दरअसल सुरक्षागत कारणों से ये अपना चेहरा छुपा रहे हैं। ये देखिए बीजीएल की बात होती है, मैं बीजीएल दिखाता हूँ बीजीएल कैसा होता है। दादा एक बार बीजीएल दिखाएंगे इसको। ग्रेनेड लॉन्चर दिखाइए ना, दिखाइए दिखाइए ग्रेनेड लॉन्चर दिखाइए। ये माओवादियों का दिखाइए ना, ग्रेनेड लॉन्चर निकालिए इसको, सेल सेल दिखाइए। ये ग्रेनेड लॉन्चर है, पकड़ लूं भैया? फटेगा तो नहीं? एक बार दिखा दो भैया। ये देसी वाला है ना, देसी ना, आप ही लोग बनाते हो ना। ये देखिए माओवादियों का बनाया ग्रेनेड लॉन्चर है ये बीजीएल, जो हाल में लगातार माओवादियों द्वारा अलग अलग कैंप में हमले किए जा रहे थे। आपको पत्रकारों ने भाई जिंदा ही बीजीएल नहीं दिखाया, आज मैं जिंदा बीजीएल दिखा रहा हूँ बकायदा माओवादियों से लेकर। खैर ये आपका हथियार आप संभालिए रखिए, बहुत धन्यवाद। ये देखिए कुछ माओवादी अपनी भूख मिटा रहे हैं। दरअसल 12 से 1 बजे अभी लंच टाइम हुआ है, कार्यक्रम चल रहा था, तो भैया मुझको भी खाना खिलाइए, मैं भी भूखा हुआ हूँ। अच्छा ये मशीन गन भी रखे हैं, आप देखिए अलग अलग किस्म के हथियार यहाँ मुझको देखने को मिल रहे हैं। आमतौर पर मुझको SLR-47 ही नजर आता था, लेकिन इस बार बहुत से हथियार मुझको नजर आ रहे हैं। ये माओवादियों के लिए बना खाना है, ये देखिए क्या बनाया है भैया, सब्जी में क्या है, टमाटर कुलचू, कुलचू बहुत बढ़िया। अच्छा माओवादियों की खास बात और बताऊं, ये जो पानी का बोतल देख रहे हैं है ना, ये माओवादी उबाल कर ही पीते हैं पानी ना। ये सब जब मैं दिखा रहा हूँ तो माओवादियों के साथ आसपास ग्रामीण भी हंस रहे हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये माओवादियों का टेंट है, ऐसा ही होता है माओवादियों का टेंट। जरूरी सामान होते हैं, कुछ जरूरी सामान होते हैं। ये देखिए यूपीएस, जंबो यूपीएस यहाँ पे लगाया गया है पावर के लिए, और आप देखिए हैरान रह जाएंगे कितना बड़ा जनरेटर इस्तेमाल करते हैं माओवादी इस जंगल में। उठिए तो दादा उठिए, अरे सॉरी आपकी गोद में बच्चा है, माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए अब आप सोचिए इस जंगल में इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितनी तकलीफ होती होगी। दादा इसको कैसे आप लोग ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उठा कर खींच कर कैसे ले जाते हो?
कैसे ले जाते हो? हिंदी आता है? हिंदी आता है लेकिन हम नहीं बता पाएंगे ना। अच्छा, इनके अपने प्रोटोकॉल हैं, लेकिन इतना तो बता सकते हो कैसे ले जाते हो, ये तो बता दो। हैं? ढोके ले जाना। अच्छा, ढोकर ले जाते हो? किस में, लकड़ी में ढोते हो? क्या क्या लकड़ी और क्या ढोते हो? अच्छा, बैलगाड़ी से भी लग के ढो। अच्छा, बैलगाड़ी से भी ले जाते हो, बहुत बढ़िया। अब इसको चलाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए बकायदा। इस तरफ पे एक टैंकर में जो है पेट्रोल भी है। खैर, यहाँ पे जरूरत का सामान और भूख मिटाने के लिए टेंट को बनाया गया। मेरे ख्याल से ये सोने के लिए तो जगह नहीं बनाई गई है, जैसा देखकर मुझको लग रहा है। तो ये एक टेंट है दादा। ये कुर्सी भी आप ही लोगों की है क्या? ये कुर्सी आप लोग का है? नहीं है, गाँव वालों का है। अच्छा, ग्रामीण जब इस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे थे तो अपने साथ कुर्सी भी ले आए भैया, समस्या नहीं होनी चाहिए। और चारों तरफ आपको ग्रामीण नजर आएंगे, ऐसे कई सारे टेंट नजर आएंगे। तो ये बस्तर के जो जमीनी हालात है, इसी तरह मैं जमीन में उतर कर दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे क्या है भैया, ये टॉर्च है? हाँ, दिखाने बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरे रिपोर्ट्स पसंद आते हों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।